नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक, जिसको आप चुटकियों में अब एलसीएम को देखते ही हल कर दोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे दो संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है, यहाँ संख्या है 6 और 5। आपको क्या करना है इसमें, आपको मान लीजिए एक ये ही आपका एलसीएम है 6, 5 और 6 में आपका 6 एलसीएम है, मान लीजिए है नहीं पर एक हल निकालने के लिए मान लीजिए 6 ही है, लेकिन 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 6 उसमें कहीं नहीं आता है। तो इसीलिए 6 के जो टेबल होता है उसको लिख लीजिए, 6 एकम 6 तो ये हो गया, 6 दूनी 12 होता है, 6 3 18, 6 चौक 24। केवल 4 या 5 बार में ही आपका एलसीएम आ जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 के पहाड़े में देखिए 12 आता है नहीं आता, ये भी नहीं आता, 24 भी नहीं आता, तो 6 पंजे 30। केवल 5 तक लिखने का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी इससे पहले भी आ जाता है। तो अभी तो आप इस तरह से लिखना सीख लीजिए, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप मुँह जवानी या देखते ही आप उसका एलसीएम बता दोगे। केवल 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। तो 6 का टेबल हमने देख लिया, लिख लिया, जो बड़ा वाला होता है हम उसको एलसीएम मान लेते हैं पहले, मान लो वो नहीं है तो उसका पहाड़ा के हिसाब से सोच लेते हैं मन में। अब देखिए यहाँ 6 का अगला 12, तो 5 के पहाड़े में नहीं आता तो ये हमारा एलसीएम नहीं है, 5 के पहाड़े में ये भी नहीं आता, ये भी हमारा एलसीएम नहीं है, 5 के पहाड़े में ये नहीं आता तो ये भी हमारा नहीं है, 5 6 30 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों में हमारा एलसीएम हो गया 30। केवल आपको बड़े वाले को मानना है और उसका टेबल वहाँ तक लेके चलना है जहाँ तक ये उसको ना काट दे, यानी कि 5 6 3 5 से ये कट जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। चलिए आप दूसरा लेते हैं 4 और 5 में। 4 और 5 में मान लीजिए 5 आपका एलसीएम है नहीं, 4 इसके पहाड़े में 5 नहीं आता, 4 के पहाड़े में, तो 5 दूनी 10, तो 4 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, 5 3 15, तो 4 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता, 5 चौक 20, तो 20 5 चौक 20 हो गया, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है, 4 पंजे 20, तो 20 आपका लासा हो गया। वही टेबल का हिसाब है, कुछ नहीं करना, 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20, तो इस तरह से यहाँ पर ये 20 इसका लासा आ गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, मैंने कहा था कि बड़ी संख्या को मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये लासा है, तो यहाँ पर 2 और 4 का लासा कितना आएगा, हमने कहा था 4 को मान लीजिए, अब 2 के पहाड़े में 4 आता है तो इसका लासा 4 हो जाएगा। ये तो हो गया दो संख्याओं का। अब 203 संख्याओं का मान लीजिए लासा लेना पड़ता है, ये रहा। अब 3 संख्याओं में क्या सेम वही कंडीशन रखनी है और कुछ नहीं, 6 का टेबल आप लिख लीजिए, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो दोस्तों इस तरह से लिख लिया। अब मान लीजिए 4 के पहाड़े में 12 आता है, ठीक है, और 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, तो इसका लासा 6 नहीं होगा। पहले हमने 6 मानते हैं, बड़े वाली संख्या को लासा मानते हैं, लेकिन ये 6 2 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए अब 6 दूनी 12। अब इसका देखेंगे तो 4 3 12 और 2 6 12, तो इसका मतलब इसका लासा 12 हो गया। तो है ना दोस्तों, कितना सिंपली है। आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए इसका, कुछ सवालों का आप मुंह जवानी इसको कर सकते हो इसी तरह से। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिए 4 संख्याओं का लासा है निकालना है हमें, तो बहुत ही सिंपल है, वही आपको बड़ी वाली संख्या को मान लेना है, पहले मानना है, सोच लो ये ही तो नहीं है, ये लेकिन 6 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा कहीं भी, तो इसका मतलब हमारा ये लासा बिल्कुल में नहीं है, तो आगे का इसका टेबल सोच लो।
आठ दूनी कितना होता है, 16, 16 के पहाड़े, 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18 नहीं आता, तो ये हमारा नहीं होगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, तो 6 चौक 24, 24 आता है, 4 छिंग 24 और 2 12 दूनी 24, तो 24 हमारा इसका लासा हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 8 को पहले हमने 8 को माना, 8 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के में आता है, 2 के में आता है, 6 के में नहीं आता है, तो ये हमारा लासा नहीं होगा। 16 4 चौक 16 आता है, इसके में भी आ जाता है लेकिन 6 के में नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो फिर 8 का पहाड़ा 24 तक बढ़ेंगे, 24 वाला देखेंगे, तो 6 6 चौक 24 इसके में आ गया, 8 3 24 इसके में भी आ गया, और 12 दूनी 24 यानी 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 24 इसके में भी आ गया, तो इसका लासा 24 हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको और विस्तृत रूप से समझा सकता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों इस तरह से आप लासा अगर निकालना सीख जाओगे तो सवाल को आप मात्र 5-10 सेकंड में ही कर दोगे, 1 सेकंड या 2 सेकंड में लासा निकल जाता है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप जब 2-4 क्वेश्चनों को ऐसे निकाल लोगे तो आपको खुद दिमाग में आने लगेगा कि हाँ भाई इसका लासा ये है। तो ये लासा बहुत ही ज़रूरी है, सभी सवालों में आते हैं और आगे भी मैं इनके अलग लासा बताने वाला हूँ।